अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। ओम श्री हरि कृष्णाय नमो नमः। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलो सहजानंद स्वामी महा। बधाज भक्तों ये प्रेम थी ऊँचा हाथ करें जय बोलवानी है। बोलो हरे कृष्ण महाराज ने जय, स्वामी नारायण भगवान ने जय। इष्टदेव भगवान स्वामी नारायण परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरु महाराज पूजनीय ब्रह्मनिष्ठ संतो वाला भक्तजनों बधाज भक्तों ने प्रेम थी जय स्वामी नारायण। दररोज तमारा दर्शन ऑनलाइन पर तो अमे करता होईए, आज प्रत्यक्ष दर्शन है। वचनामृतनी कथा दररोज महंत स्वामी शास्त्री हरिप्रिय स्वामी के श्रुति स्वामी सत्य संकल्प स्वामी कृष्ण स्वरूप स्वामी वगैरह संतो ए वचनामृत के गुणातीतान स्वामी गोपाळान स्वामीनी वातो थती होय छे। आज आप वचनामृतनी कथा अने बधाए याद राखवाना, हेलू वचनामृत छे अने बधाए वचनामृतना अभ्यास छे। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। संवत 1876 महावधी एकादशी ने दिवस श्रीजी महाराज श्री गढ़ा मध्य दादा खाचरना दरबार में श्री वासुदेव नारायणना मंदिर ने आगळ आथमणे द्वार ओरडानी ओसरीए ढोलिया पर गादी तकिया नखावीने विराजमान हता अने सर्व श्वेत वस्त्र धारण कर्या हता अने जरियानी छेड़ावाळो कसुंबो लेटो ओढ्यो हतो अने आसमानी रंगनो फेंटो मस्तके बांध्यो हतो अने कंठ में पुष्पना हार विराजमान था अने पोताना मुखारविंदनी आगळ मुनि तथा देश देशना हरिभक्तनी सभा भराईने बैठी हती। पछी मुक्तान स्वामीए प्रश्न पूछो, हे महाराज, जनक राजा ने नवयोगेश्वरना संवादे करे कह्युं जे भागवत धर्म तेनुं पोषण केम थाय अने वळी जीवने मोक्षनुं द्वार उघाडुं केम थाय। पछी श्रीजी महाराज बोल्या जे धर्म ज्ञान वैराग्य ने भगवान की भक्ति तेने युक्त एवा जे भगवान एकांतिक साधु तेना थकी भागवत धर्मनु पोषण थाय छे अने जीवने मोक्षनु द्वार पण एवा साधुना प्रसंग थकी उगाड़ो थाय छे। ते कपिल देव भगवाने माता देहूती प्रत्ये कह्युं छे जे प्रसंग मजरम पास्मात्मनः कवय विदुः सेव साधु सुकृतो मोक्षे द्वारम अपाव्रतम। महाराज के जे पोताना देह ने देहना संबंधी ने विषे गाढ़ प्रीति है एवं भगवान एकांतिक सत्पुरुष ने विषे थाय तो ये जीवने मोक्षनु द्वार उघाड़ू थाय छे। त्यार पछी सुकमुनिए श्रीजी महाराज ने प्रश्न पूछो, हे महाराज, गमे तेवो आपत्काल आवी पड़े तो पण पोताना धर्ममांथी न खसे ते कये लक्षणे करीने ओळखाय। पछी श्रीजी महाराज बोल्या जे जेने वचनमां दृढ़ता है अने तेनो धर्म दृढ़ रहे छे अने तेनो सत्संग पण दृढ़ रहे छे। इति वचनामृतम। एवी रीते ये तो बधाने ख्याल छे। इति वचनामृतम एवी रीते गरड़ा प्रथम प्रकरणनो 54मो जे ते थयो। अनंत कोटि ब्रह्माना नाथ पुरुषोत्तम नारायण दादाना दरबार में विराजमान हता अने सवारनो समय हतो। लीम वृक्ष नीचे महाराज सभा कने बैठेला। एमां आमोदना दीनानाथ भट्ट, ए आमोद आव्युं क्यां? कानम देश में। ए भगवाननी कृपा थी जोगी स्वामीए धून बोलावी थी 20 शताब्दी में 22 वर्ष पहला। ए 200 गामड़ा में धून लेवानी थी। ए फरती फरती धून ए आमोद में गेली त्यारे पहला पहला आमोद गामना दर्शन करेला। ए आमोदना दीनानाथ भट्ट ए महाराजना दर्शन करवा आव्या, महाराजने वंदन कर्या त्यारे महाराजे पूछ्युं, ए भूदेव, अमे सांभळ्युं छे के तमे आखू भागवत तमने कंठस्थ छे। हाँ महाराज, तमारी कृपाथी तमारी दयाथी। भागवतना केटला श्लोक छे? 18,000 श्लोक छे। आपणे शिक्षापत्रीना 212 छे, तो ए घणाने आवडते एक न आवडते मने खबर नथी। तो ने 18,000 श्लोक भागवतना कंठस्थ हता। त्यारे महाराज राजी थया। त्यारे महाराजे पूछ्युं के भूदेव, तमारा कल्याणना केटला? अरे महाराज, बधाय महाराज छे ने नहीं नहीं महाराज के तमारा बेज छे, एक तो प्रथमनु 54मुं आपणे बोल्याए अने बीजो मध्यनु 54मुं। महाराज के जप तप व्रत यज्ञ दान पुण्य सत्संग सर्वेनु फल। महाराज पछी एमांय पण भागवतनो श्लोक लख्यो, यस्यात्म बुद्धि गुणपेति धातु के। महाराज के जेवुं पोताना देह अने देहना संबंधीमां गाढ़ प्रीति छे, आत्मबुद्धि छे, एवी भगवानना एकांतिक सत्पुरुषने विषे थावी जोईए। अने जो ए गाढ़ प्रीति न थाय तो महाराज के सहेव गोखर एम कीधुं। आवी भगवानना भक्तने साधुने एकांतिक संतने विषे जे प्रीति न थाय तो एने गोखर अने बड़द कीधा। आपणे भगवान गुरुकुल परिवारना आत्माओ बहु भाग्यशाळी छे। गुणातीतानंद स्वामी के जे मरीने पामवा हता ते छतां ज मळ्या छे। आपणे टूंकमां सार सार वात करशुं, कारण के दररोज अमारे अहींया राजकोटना हरिभक्तोने पूज्य महंत स्वामी अत्यार नथी लई कहेवामां वांधो नहीं। भागवत एकांतिक संत कोने कहेवाय? गीता, भागवत, रामायण, वचनामृत जे शास्त्रों में लक्षणों बताव्या छे। निष्कुळानंद स्वामीए भक्त चिंतामणी में बीजा प्रकरण में जे संतोना लक्षण कीधा छे अने 64 पदी में जे साधुना 64 लक्षणों कीधा छे। एवा संतो आपणे अत्यारे अज्ञाती परंपरा में पूज्य गुरु महाराज अने पूज्य महंत स्वामी के सदगुरु स्वामी के वड़ील संतो स्वामी ने हयाती में अमे 30-35 संतो छीए स्वामी ने हयाती। कारण के गुरुदेव शास्त्रीजी महाराज 35 वर्ष पहला धाम में गया त्यारे 3 संस्थाओ हती, त्यारे अमे 70 संतो हता। अत्यारे एमनी कृपा थी, एमनी दया थी। कारण के आ ऑनलाइन पर देश विदेशना बधा हरिभक्तों गामडामां बधे कथा सांभळता हो तो ये 38 वर्ष पहला पुराणी स्वामी धाम में गया। हमणां आपणे स्वामी नीति थी गई ने 35 वर्ष पहला भगवानना धाम में अपना गुरुदेव शास्त्रीजी महाराज गया अने 33 वर्ष पहला ए मुगट स्वामी गया। अने ए महापुरुषे जे खेड़ करी छे, खेड़ मोटा संतोए भारे करेल, एनुं फळ आपणे अत्यारे देखाय छे। हमणा अमारा डॉक्टर कथीरा साहेब दर्शन कराव्या। मैं तमे कई साल में गुरुकुल में दाखल थया था ए के स्वामी 67 में जूनागढ़ गुरुकुल में, त्यारे ए पोते व्यवस्थापक हता अने मारे त्यां 3 वर्ष गुरुदेवनी आज्ञाथी रोकाणुं थयुं। एमना ससरा आ एटला माटे वात करूं आ प्रसंग सांभळवा जेवो छे। तो ए राम भगत हता अने त्यां अत्यारे गुरुकुल में आपणे दरवाजो छे, त्यां परिब्रह्म बापानी मूर्ति पधरावी छे ने ओटो छे एटले दरवाजानी अंदर ए ओटे बैठा बैठा बापा ए राम 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 अखंड जप करता था। मैं कीधुं वाह, ए वडीलोना पुण्य होय, गैठियाना पुण्य होय, आपणे गामडामां के कोई साधु संतोना आशीर्वाद होय, राजीपो होय तो ए जे काम करे छे आ विश्वनी अंदर एवुं कोई करता नथी। ए गुणातीतानंद स्वामी हता, गोपाळानंद स्वामी हता, आपणे जाणीए छीए। त्यार पछी बालमुखदास स्वामी, धर्मेश्वरदास स्वामी, गोपीनाथ पुराणी स्वामी ना आपणे दर्शन कर्या नथी, पण गुरुदेव शास्त्रीजी महाराज, पुराणी स्वामी, मुगट स्वामी, कोठारी स्वामी, हरिप्रसाद स्वामी, नारायण भगत आवा मुक्त संतोना आपणे दर्शन कर्या छे। एटले आपणे राजकोट गुरुकुल परिवार बहु भाग्यशाळी छे। रघुकुल, यदुकुल, धर्मकुल एम गुरुकुल। अने अत्यारे जे गुरुकुल परिवार में जे आ विश्व में भजन थाय छे एवं आ ब्रह्मांड में क्यांय थतुं नथी। अने अत्यारे एक गुरुना 275 संतो छीए। ए दरेक संतो तमारे एक माना ने एक बापना बे होय, तमारा दीकरा के दीकरी होय तोय मानता होय के न मानता होय तमने खबर होय। तो एकने आ बाजू बेहार, एकने आ बाजू बेहारवा पड़ता होय। अने अत्यारे अमारी उपर आ गुणातीत बापानी कृपा, गुणातीत परंपरामां संत 275 संतोनो एक ज तान के महाराज गुरु महाराज आ महंत स्वामी के वड़ील संतो जेम राजी थाय एम बधाय संतोनी वृत्ति होय। रामानंद स्वामीना आश्रम में भगवान स्वामीनारायण ज्यारे पधार्या 1856 में लोजनी वावे, आपणे जाणीए छीए लोजनी वावे आजे बाला जोगी आव्या, ए बाला जोगी आव्या आजे बाला जोगी आव्या। ए वखते सवारना समय में ब्रह्म मुहूर्त में ए उद्धवना अवतार रामानंद स्वामीना 50 संतों में सुखानंद स्वामी ए महाराज लोजनी वावे स्नान करवा माटे आवे छे। त्यां तो वरणी जोवाय केवा सुंदर मुख ने माथा उपर केस नाना भूरा छे सुंदर, आवा वरणी कोई दी जोया नता। महाराज ने वंदन करा, आपणे इतिहास जाणीए बधाने करे। ए वखते पछी महाराज तमे आश्रम में पधारो। महाराज के अमे आश्रम में जता नथी। महाराज तो के अमने वन पर्वत ने जंगल एमां ज रहेवुं गमे छे। आ सारथी याद राखजो। त्यारे सुकान स्वामीए कीधुं के रामानंद स्वामी नामे 50 संतो छे अने मोटेरा मुक्तानंद स्वामी छे अने ए साधुगुणे संपन्न छे। पंचवर्तमान युक्त है, निष्काम निर्लोभ निर्माण निष्णय निष्प्रिय पंचवर्तमान युक्त साधु है। अने जो तमे नहीं आवो तो ये संत अहीं आवशे। अने ए संत ने पगमां वाड़ानो रोग है। तो महाराजे पहलू वहेलू सांभळ्यु आ पंचवर्तमान युक्त साधुताना गुणे। महाराज के हालो हालो अमे तो एवा संतोने मळवा माटे संसारना सुखने ठोकर मारी है। अने 12,000 किलोमीटरनी यात्रा अमे करी है। 70 राज्यों अमे फरेला छीए पण क्यांय एवा अमने संत मळ्या नथी। अने महाराज पहला वहेला अत्यारनो जे ब्रह्म मुहूर्तनो समय अत्यारे जे आपणे आश्रम में सभा है ए आश्रम में महाराज पहला वहेला पधारे छे। अने ए आहनिक वीति सवारनो जे ब्रह्म मुहूर्तनो समय ए 50 संतो माळा मांसी अनुष्ठान जप करता था। अने ज्यां महाराज खड़की में पग मूक्यो त्यां जेम लोह चमक में बधाय लोटू खेंचाई जाए, चुमक में वृत्ति बधाने खेंचाई जाए एम बधाय संतोनी वृत्ति ए महाराजना स्वरूप में खेंचाई गई। अने महाराज मुक्तानंद स्वामी आसन आप्यो। महाराज नीचे बेसी गया वीरासन है। महाराज के मारे 50 कोटी योजन पृथ्वी ए अमारू आसन है। अने ए आसन आप्या पछी जीव ईश्वर माया ब्रह्म ने परम महाराज केम प्रश्न पूछीए तो मुक्तानंद स्वामी हाथ जोड़े। महाराज अमारा गुरुदेव तो अत्यारे भोजनगर है। गुरु थकी जे ज्ञान है एनी अमे बात करीए छीए अने यथातोर तो गुरु रामानंद स्वामी आवशे त्यारे आपशे। त्यारे मुक्तानंद स्वामी उत्तर आप्या। महाराज बहु राजी थया अने अनंत कोटि ब्रह्माना नाथ भगवान बोल्या। महाराज के देश देशांतर बहुत फिरा, मनुष्य का बहुत सुकार, झाकू देखी छाती ठरे ए वाका पड़ा दुकार। खरेखर भक्तो तमे अमे बहु भाग्यशाळी छे। रामानंद स्वामीनो आश्रम तो आपणे जोयो नथी पण ए गुरुदेव शास्त्रीजी महाराजे वाला भक्तजनो जेना दर्शन करवाथी, जेनो स्पर्श करवाथी, जेनी वात सांभळवाथी आपणा हृदयमां शांति थाय। गई काले बपोरे अहींया आखो सभा मंडप आखो भर्यो हतो। अमारो पत्र तो मुकाई गयो तो पण मैं कीधुं मारे बधा भक्तोने कंठी पहेरावी छे, शाबाश छे ने अने करवुं ज जोईए। एनी बात पछे करशुं। तो ए आश्रम में अत्यारे ए आश्रम आपणे जोयो नतो पण गुरुदेव शास्त्रीजी महाराजे 75 वर्ष पहला आ भूमि में खातमुहूर्त करेलुं आपणे जाणीए छीए। 7 विद्यार्थी शुरुआत करी अने अत्यारे एमनी कृपाथी एमना आशीर्वादथी 40,000 विद्यार्थीओ सवार में धोती ने चादर ओढीने पूजा करे। ताली तो पाड़ो। ए धोती ने चादर आव्युं पहला वहेला क्यांथी? नकर तो आपणे लूंगी पहेरीने चड्डी पहेरीने के टुवाल पहेरीने पूजाओ करता था पण ए गुरुदेव शास्त्रीजी महाराजे आ धोती ने चादर आ ब्रह्मांड में क्यांय मळे नहीं। पछी तो धीमे धीमे बधुं हाले पण ए अत्यारे हूँ आ रथयात्रानो दिवस हतो। हमणां 2-4 वर्ष कोरोना हता मारे तरोवड़ा दर्शन जवानुं नहोतुं थयुं। त्यारे इच्छा हती के स्वामीना जन्मस्थान में आपणे दर्शन करवा गया अने ज्यां दर्शन करवा गया अने रथयात्रानो दिवस अने मां जे विद्यार्थीओ अत्यारे ए 2000 विद्यार्थीओ एमां स्वामीने 212में जन्म जयंती आवती थी एटले रूमे रूमे 1-1 कलाकनी धूने विद्यार्थीओ करता था। अने कोई वंदना पाठ करता होय के जनमंगलना पाठ करता होय, कोई माळा करता होय, कोई नृत्य करता है। त्याने थी वाह आ ब्रह्मांड में आवुं क्यांथी मळे। त्यारे आपणे तो रोज आ भूमि में छे ने एटले आपणे खबर नथी पण सवार में ए 5:30 थी 6:30 2000 विद्यार्थीओ त्यारे आपणे छे। 1700-1800 पण 2000 बीजा काम करनारा बधा होय। ए विद्यार्थीओ धोती ने चादर ओढीने पूजा करता होय, एक साथ जुदा जुदा बोला अने प्रार्थना करता होय। आवुं ब्रह्मांड में स्थान मळे क्यां? निष्कुळानंद स्वामी के एवा क्यांथी मळे जेने एक कहे रे निर्मळ अंतर निष्कामी। जे महाराजे कीधा छे ए संतो आपणा गुरु महाराज तो बधाए एना वखाण करेल बधाने ख्याल ज होय। एवा मुक्तानंद स्वामीना आश्रम में ए रघुनाथदास पण હતા ને આપણે જાણીએ છીએ એવો અત્યારે આપણા આશ્રમમાં 275માં એવા કોઈ સંત નથી। તાલ્યું તો પાડો, આપણું હૃદય ઠરી જાય। હું તો પહેલાં વહેલો ગઈકાલે આપણા મેં હોલમાં હાથમાં મળી ગયો મેં દીધો ત્યાં સંત સ્વામીને વંદન કરવાનું મન થયું, શાબાશ! આવો હોલ, આવા પ્રાર્થના અને સંતો પણ બધાએ બહુ રાજી। अत्यारे जे आ संतोनुं मंडळ छे आपणे रामानंद स्वामीना संतो जोया नता ए त्यार पछी नंद संतो आपणे जोया नथी आ दास संतो आपणे जोया नथी पण गुरुदेव शास्त्री महाराजनी कृपाथी एनी रीते रीत आ जळवाई रही। आ ब्रह्मांड में गोपाळानंद स्वामी मुक्तानंद स्वामी नित्यानंद स्वामी निष्कुळानंद स्वामी परिवार में बधा होय हाथ हव पेढ़ी में पण अत्यारे जे गुणातीत परंपरा में जे आ छे महाराजे त्रण वस्तु अलौकिक आपी छे याद राखजो तमने बधाने ख्याल ज छे। लहरी आया आज लहर में अति मेहर करी मेहरबान भगवान पुरुषोत्तम नारायणे आ ब्रह्मांड में पधारी ने त्रण वस्तु अलौकिक आपी है। भजन करवा माटे मंत्र आप्यो, जीवन जीवा माटे शिक्षावत्री आपी अने बोलो बोलो पोते पोतानुं स्वरूप ए वड़ताल में हरिकृष्ण महाराज के गढ़ड़ा में गोपीनाथ जी महाराज के देवो पधराव्या होय ए अत्यारे प्रत्यक्ष है। ये त्रण वस्तु अलौकिक आपी है आ ब्रह्मांड में मळे अने आ त्रण वस्तु जे राखे छे ने एक स्वामीए खाली अर्धा शिक्षापत्री भगवान स्वामीनारायण लखी जाए पर महाराजे में लिखो कि प्रवर्तनीया सद्विद्या भुवि अत्सुकृत महत् पृथ्वीने विषे सद्विद्या अर्धा श्लोकनु पालन कर्यो। आ ब्रह्मांड में महाराजे शिक्षापत्री लखी त्यार पछी कोई पालन कर्युं होय तो गुरुदेव शास्त्रीजी महाराजे अने ए स्वामीए मंत्रनु भजन कर्युं रुवाड़े रुवाड़े एवं नंद संतो पण करी गया था भजन करी गया था करावी पण आ पहलो वहेलो संकल्प ए गुरुदेव शास्त्री महाराज अने स्वामी के 10 वर्ष में जप करेला अने 10 करोड़ जप थयेला अने जूनागढ़ना महंत पदे आवेला। आपणे जाणीए छीए 21 दिवसनो यज्ञ ए तो भगवान स्वामीनारायण हता एटले पाणीनो घी बनावे माटीनो लोट बनावे अने रेतीनी खांड बनावे ए वखते ए तो करी शके पण 21 दिवसनो यज्ञ एमां विश्वयुद्ध हालतुं होय कटोकटी होय कांई अनाज मळतुं न होय अने ए वखते आवुं कार्य कर्यानुं कारण के एनी भेगा भगवान हता एटले ए कार्य कर्युं अने आचार्य महाराज आनंद प्रसादजी महाराज राजी थईने चार पाखेथी आपे आपणे पूजन करीए छीए दरेक एकादशीए तो मंत्रनुं भजन एने कराव्युं शिक्षापत्री अने आ ज स्वरूप जेम आपणे महाराज वचनामृत बोल्या के महाराज दादाना दरबारमां विराजमान हता ए ज महाराज अपना सिंहासन में अपने महाराज दर्शन आपे छे। अने आ संतो 275 अत्यारे ए वाक्य हाथी मळे जन एके रे निर्मळ अंतर निष्कामी जनु तन मन मायनो त्यागे रे भक्ति धर्म भावे छे एवा वचन विटाया वैरागे रे अंतर माथी आवे छे शील संतोष ने वड़ी शांति रे ए मारही ने बोले छे धीरजता कई नथी जाती रे ज्ञान ध्यान महा डोले छे एवा संत सबो ना सकारे पर उपकारी पूरा छे जेना दिलमां नहीं कोई दगारे सत्यवात्मा सूरा छे वड़ी है तो घणो छे हये रे आँखे अमृत वरसे छे कहे निष्कुळानंद सो कहिए रे ए जन जोई हरिहर के छे। आवा संतने जोईने अने ए संतनी सभा आपने आप मळी छे पण भेगा रहीए त्यारे कायमिकनो महिमा होय पण महिमा ज्यां सुधीने समजाय। निष्कुळानंद स्वामी कहे छे आलोकमा परलोकमा जाणो जरूर जेनो काम तेने संगाथे केम तोड़ीए जाणे सदाय सुखनु धाम। महाराज गोमतीजीने गांठे बेठेला अने त्यां ओला गुजराती भक्तो निकळ्या एटले गुजराती भक्तो बळदियाने हांकवा माटे परोणी राखे आपणे काठियावाड़मां खरपिया राखे तो ए परोणीमां आ लोखंडनी होय एटले आर घोंकावे शुं करवा बळदियानो नो हालतो होय मारा जेवो ટાઢો होय एने समझी गया ने तमे तां। हाँ जो अत्यारे भजन नहीं करीए आ संतो राजी नहीं थाय करीए तो ए पछी घोंका खावा ज पड़शे तमारे ने मारे। तो पछी महाराज ने के स्वामीनारायण आ रातड़िया ए तो तमारे आश्रय आव्या ए तो तरी गया पण आ धोड़िया हवे तमारो वारो के आ संसार में खूतेला छे तो एनु कल्याण केम थाय छे। महाराज के तारा हाथमां शुं छे परोणी तो क्या गोमती में नाखी जोई आरती नाखी तो तरी गई पछी हवे परोणी लईने ए आर काढीने अने नाखतो तो के आर बूडी जाय ने लोखंडनी। तो स्वामीनारायण भगवाने कीधुं के आ जे रातड़िया छे एनी साथे आ धोड़िया जोड़ायेला छे जेम तारी लाकड़ी तरी गई એમાં ભેગી આરત રહી ગઈ જે હું આ સાધુનું કલ્યાણ થશે. તાલી તો પાડો એમાં તમારો ભાઈ એવું એનું કલ્યાણ થશે. એટલે મહારાજે વાત કરી છે પણ કેવું એવું થાય ત્યારે મહારાજ કે વિવેકી નરને એમ વિચારીને જોવું ઇન્દ્રિય પાંચ છઠું મન જીતે તે હરિદાસ કહાવે વાલી વસ્તુ એને આપે અનંત ગણી થઈ આવે. ઇન્દ્રિય कामी क्रोधी लोभी लंपट कूड़ा बोला कावे अनधन वस्त्र एने आपे तेसे की भी वावे. कामी क्रोधी लोभी लंपट तब आखिर खेतर में क्या काम करवा जाओ केवा खेतर में खार भूमि में वावे शू मे वसंत भाई आ संसार में ते जो अत्यार सुधी संसार के सुख काट बताओ कोई दी रेती पीलवाती तेल मळे ज नहीं पानी ने वलोवाती माखण पींडो निकले नहीं नहीं वला वाली ज्यां सुधी सूर्य उदय न थाय त्यां सुधी अंधारू जाए नहीं. एम ज्यां सुधी आपणा हृदय में धर्म ज्ञान वैराग्य भगवान की भक्ति अने एना युक्त जे साधु एना हृदय में ज्यां सुधी प्रीति नहीं थाय त्यां सुधी मोक्षनु द्वार उघाड़वुं बहुत कठिन छे. एटले महाराजे प्रथमना 15 वचनामृत में बात करी. महाराज के जेना हयामां भगवान की भक्ति होय भगवान तथा संत मैंने जे वचन कहसे एमज मारे करवू है. आटलू वचन मारा मनाशे ने आटलू वचन मारा नहीं मनाय. अपना जे नंद संतो आ गुरुकुल परिवार की बधी जे अत्यारे देश में विदेश में गुरुकुल बाग खिलवानुं कारण भजन प्रताप है. ये गुरुदेव शास्त्री महाराज पुराणी स्वामी जोगी स्वामी ए खूब भजन करी गया है अने अत्यारे ए परिवार में अत्यारे मारा निर्दोष युवान संतो पार्षदों अमे थोड़ी दाढ़ीवाड़ा बे चार छे तमने खबर छे बधा नवयुवानो ज छे. तमारे घरे जुवान दीकरा दीकरी होय तमने खबर होय हवार वहेला उठाडजो तो खरा 5 वागे अमे आंथी गया होय रात्रे त्या रतनपर अमारी पूजा न्या छे उत्सव पूजा न्या हती रात्रे 11 वागे गया होय 3 वागे धूमा जवानुं रात्रे उठाय पण ईसा कोई तमारा दीकराना लग्न होय 4 वागे जान जावानी तो जागी जाओ कि नहीं पूजा पाठ करीने तैयार थी जाओ कि नहीं हाँ कोई काम तैयार थी जाए. महाराजे कीधुं ईशक नाम हवे भक्ति बार करीने थोड़ी बातों करी भजन ने. अत्यारे गुरुकुल परिवार में अमारे एक नाना संत है मळ्यो केटला जप थाय स्वामी 1 लाख दररोज जप थाय 10 कलाक के 12 कलाक थाय तई जप थाय. हमणा एक संते बात करी थी सूरत में एक हरिभगत 50,000 दररोज जप करे छे. हाँ हाँ अत्यारे अधिक मास पुरुषोत्तम मास आवे अने आपणे परम दिवसे गुरु पूर्णिमा आवे 3 तारीखे गुरु पूर्णिमा पूजन तो आप करिए हार पहेरावी दर्शन करिए अने दान करिए धोतिया ओढाड़ीए पण साचुं पूजन क्यूँ है ए महाराज के महाराज अने मोटा संतो गुरुजनों आपणा गुरुजनों ने पण भजन वधारे गमे छे. राजकोट गुरुकुलने 50 वर्ष पूरा थया अने ए सूरत में 25 वर्ष थया धून चाले छे. एम आ वक्त अमरी सतों की शिबिर त्या 4-6 महीना पहला तो त्या जावा थी ए रात्र अमार शिबिर धून सभा पूरी थाय पी रात्र धून में जावा एक उगा मेड़ीना भगत था ए 3 भक्त धून करता था एने संकल्प थो याद रखो कि आज कोई संतना मैंने दर्शन थाय धून में एम 3 वागे गयो पछे धून कर आम निकलो बहार एट आवीने भगत मीडा दंडवत करवा मैंने केम आ उगा मेड़ी बैठा था भगत मैंने केम तो के स्वामी मने आवो संकल्प थयो. मैं कीधुं तमने शाबाश छे गृहस्थ आश्रम में रहीने रात्रे 3, 2 થી 3 માં 4 में तमे भजन करो छो. अने महाराजे पहला ज वचनामृत में कीधुं छे के भगवाननुं स्वरूप छे चिंतामणी छे जे संकल्प करे थाय कीधुं जेवा संकल्प करे एवुं मळे. तो तमे संकल्प कर्यो तो तमने दर्शन थया के नहीं संकल्प करवानो आ गुरुकुल छे कल्पवृक्ष छे याद राखजो जे संकल्प करे एना संकल्प बधाय पूरा थाय छे. तमे गृहस्थ आश्रम में छो तमारे आ लोक में परलोक में शू अने महाराजे कीधुं छे उत्तम वैराग्य होय अने संसारनो त्याग करवो अने मंद वैराग्य होय अने गृहस्थ आश्रम करवो एटले तमे कोई वासनाथी जोड़ायेला नथी तमे तो भगवाननी आज्ञा एटले संसार में जोड़ायेला छो पण हवे ए संतोना वचने कने जोड़ायेला छे. એટલે મહારાજે કીધું पछी रघुवीरजी महाराज प्रश्न में बधानु कल्याण केम थाय छे. महाराज के पोतानो धन धाम कुटुंब परिवार ए सर्वने भगवान की सेवा में जोड़ी देवा जे पदार्थ भगवान उपयोग में न आए एनो महाराज के त्याग कर देवा. हाँ हम एकादशी कहते हैं एकादशी पीछे आप वृंदावन भाई संत भाई त्या राधिका स्टोर उद्घाटन हतुं अने त्यारे घणा संतो आपड़ा हता हरिभक्तो हता त्यारे बात करी वसंतभाई पोते ज बात करी थी एना दीकरा एक पण गुरुकुल में भणेला मोहित अने एनो दीकरो नानो छे पण गुरुकुल में भणशे ए जुवान दीकरो एना बापाने कहे छे एटला माटे वात करूं छुं तमे घणा युवानो आमां बेठा छो त्यारे एने शुभ संकल्प थयो के ओला कोटड़िया धीरूभाई तो 30 करोड़नु दान जमीन लईने वेचातुं करीने कर्युं अने आपणे बापूजी भगवाननी कृपा छे भगवाननी दया छे आपणे 18 वीघानु खेतर छे दौड़ने कांठे कृष्णार्पण कर दिया शाबाश है खरेखर याद रखो युवानो आ हाची कमाई अति बधु दुनिया में मळशे घणा करोड़पति ने अब्जोपति होय पण आपणी पर आवा संत राजी थाय आजे महान स्वामी ने तेला स्वामीनारायण संप्रदाय में अत्यार सुधी में कोई चांद्रायण नहीं कर्या होय 75 चांद्रायण दीक्षा लीधा पछी कर्या होय तो ये महान स्वामी ताली वजावो अने भक्ति मार्गना आचार्य आपणे अमे एने आचार्य कहे छे भले अमारा करता नाना छे ए पुराणी वल्लभ स्वामी तो एने आ भक्ति मार्ग गुरुदेव शास्त्री धाम में गया पछी आपणे अत्यारे 40-45 स्थानों में जे हर्षनी मूर्तिओ आवी छे भक्ति मार्ग आव्यो छे अने नीलकंठ धाम में दर्शन न कर्या करी आवजो आखा विश्वनी अंदर ज्यां पूजन न थतुं होय सेवा न थती होय कायमी के 108 गायना दूधथी अने गौशाला पण एवी करी छे क्यांय आ गायोनो दररोज आरती थाय पूजन थाय अने एक गायोनो दूध ठाकोरजीना अभिषेक में जाए અને આ સેવા રીતે અત્યારે જે આ ઠાકોરજીની સેવા છે ને આવી સેવા અત્યારે આખા સંપ્રદાયમાં એ ઠાકોરજીને દરરોજ 108 તુલસી દળથી પૂજન એ સંતો હવારે કરતા હોય અને આ આવી રીતે સેવા રીતે ત્યાં મહારાજ વિરાજમાન છે તો આપણા નસે નસમાં રગે રગમાં જે ગુરુની આજ્ઞા થાય તો આ વખતે પુરુષોત્તમ માસ આવે છે 2 શ્રાવણ મહિના છે અત્યારે ચાતુર્માસ ચાલે છે ઘણા ભક્તોએ નિયમ લીધા છે પણ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કોઈ હોય તો ધૂન કે જપ અને સત્સંગ 2 વસ્તુ મહારાજે શિક્ષાપત્રમાં કીધું છે गुणिनाम गुणवत्ताया ज्ञेयम हेतत् परम फलम कृष्णे भक्त सत्संगो न थाया अंतिविधो महाराज के गमे एटला गुण होय गमे एटली आ दुनियानी संपत्ति होय अने गमे एटलुं होय अमारामां गमे एवा पुराणी पंडित शास्त्री वक्ता गमे तेवा होय पण जो भगवाननी भक्ति न होय सत्संग न होय तो महाराज कहता के तो आपणे आ 2 वस्तु आपणे मळी छे आपणे जे वस्तु जे गीता भागवत रामायण वचनामृतमां जे संतो कीधा छे जे लक्षण कीधा तमे तो तमारा घरना सभ्यने अमे 55 वर्ष थया 58 वर्ष थया हूँ 65 गुरुकुलमां दाखल थयेलो एटले 55 वर्ष थया दीक्षा लेती आम भेगा रहता होय खबर होय आम अमारा स्वभाव केम अमारा कहेवाय ए आवुं अत्यारे निर्मळ निर्दोष साधु क्यां मळे एवा क्यांथी मळे जेने एक करे तो अत्यारे आ भगवाननी कृपा छे एटले अनंत कोटि ब्रह्मानो नाथ हमणां गढડામાં कथा हती आपणा मंगल स्वामी नाना संतोनी चैतन्य स्वामीनी हवे एना गुरु गोपी वल्लभदास स्वामी ना है हाँ गोलोक विहारी स्वामी ए गोलोक विहारी स्वामी राजकोट गुरुकुल ने 20 महोत्सव दीधो त्यारे पधार्या हता अने 25 वर्ष राजकोट गुरुकुल थया अने एना शिष्ये राजकोट गुरुकुलना संतोने बोलावी अने दादाना दरबारमां कथा करावी अने ए कथामां गया त्यारे एम थयुं के वाह आ दादानो दरबार भगवान पोते बोल्या के ज्यां सुधी सूर्य अने चंद्र रहेशे त्यारे स्वामीनारायण भगवान बोल्या के गढडू मारू ने वो गढडानो ए तो केदी नथी मटवानो ज्यां सुधी सूर्य ने चंद्र रहेशे त्यां सुधी आ विश्वमां दादा खाचेनुं नाम छे रहेशे ज्यां स्वाधीनाम एमां राजकोट गुरुकुलना पायामां जेणे जेणे सेवा करे छे अने भविष्यमां करशे अने आपणा जे संकल्प के राजकोट गुरुकुल द्वारा कन्या गुरुकुल थाय एक हरिभगतनी दीकरीए हमणां केनेडामां एना भाई त्यां रतनना गुरुकुलमां भणे तो ए दीकरी केनेडा अभ्यास करवा गई पण एने सांख्योगी बहनों योग होय मैं कीधुं एकली दीकरी जाए जुवान होय न्या तो के स्वामी नावू धोवू पूजा पाठ अने रसोई बनावीने पोताना हाथे भगवानने धरावीने त्यार पछी आवे बायनुं पाणी पीती नथी एनुं कारण हो आ गुरुकुल परिवारमां जोड़ायेला आत्मानो आ फळ छे एटले गुरुदेव शास्त्रीजी महाराजनो संकल्प हतो भविष्यमां के आ गुरुकुल पाए नाखवानुं के मारे तो चैतन्य दीवड़ा तैयार करवा छे स्वामीनारायणनो सत्संगी केवो होय अने स्वामीनारायणनो साधु केवो होय महाराजे पोते वचनामृतमां कीधुं मजना 61 मां पोतानो नियम निश्चय ने पक्ष ए 3 वाना होय ते पाको साधु कहेवाय अने पाको साधु कोण कहेवाय तो महाराज के निष्काम निर्लोभ निर्माण निष्प्रिय पंचवर्तमान पाड़ता होय धर्मामृत निष्काम सुधीनी आज्ञाओ पाड़ता होय अने महाराज एक एक मर्यादा पाड़ता होय स्वामीनारायण देश विदेशों में जाए कनक कांतानो योग थाय તોય પણ આ સંસાર લેવાય નહીં, પોતાના નિયમમાં વર્તમાનમાં ફેર પડે નહીં એ અત્યારે દેખાય છે. અમે 7-8 વર્ષ પહેલાં વહેલા એ ગુરુ મહારાજની આજ્ઞાથી અમેરિકામાં જવાનું થયું, ત્યારે ન્યૂ જર્સીમાં ગયા, પહેલાં વહેલા પ્રાર્થના મંદિરમાં દર્શન કર્યું, ત્યાં વાહ આપણે તો અક્ષરધામમાં આવી ગયા. વિદેશની ભૂમિમાં પણ રહીને ભક્તો કેવું ભજન કરે છે. હા, અત્યારે હવારમાં હોય એક ભગત અમારા સાહિલ ભગત અડધી કલાક ઊંચા હાથ રાખીને કડતાલ રાખીને સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ વજ્ર સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જાંબુ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ અડધો કલાક સુધી આંખો બંધ કરીને, ત્યારે એમ થાય વાહ ગુરુદેવ શાસ્ત્રીજી મહારાજે કેવું કામ કર્યું છે. અને વિશેષને વિશેષ થાય છે. અને ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે બધા ભક્તો તમારા સગા સંબંધી પરિવારને દેશના વિદેશનામાં ભક્તો આવે તો જરૂર પધારજો, બધાને આમંત્રણ આપજો. અને આ પરિવાર જે આપણો પરિવાર છે એમાં વધારે ભજનનો આગ્રહ રાખજો. અને પુરુષોત્તમ માસ આવે ત્યારે ગામડે ગામડે 3 કલાક 6 કલાક કે 12 કલાકની ધૂન થવી જ જોઈએ. તમારું ગ્રહસ્થનું ઘર એ ઘર નથી, મંદિર છે. મંદિરમાં કોણ હોય? મંદિરના પૂજારી હોય. તો આપણે એક એક આત્મા ભગવાનના પૂજારી છીએ. વસંતભાઈ બેઠા, એની દાદી બાને હજી 110 વર્ષના એને માતુશ્રી બેઠા, અને એને કીર્તન સંભળાવે, એને વંદન કરે, એની સેવા કરે. આ ગુરુદેવ શાસ્ત્રીજી મહારાજનો હેતુ હતો. એ આપણું ઘર મંદિર થઈ જાય અને એ પૂજા કરતા થઈ જાય. અને એ ઘરે મહિલા હોય, ઘરકામ કરતા હોય, રસોઈ કરતા હોય, વાસણ ઉટકતા હોય, ત્યાર કરતા હોય, તો એ ઘરકામ કરતા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ યાદ રાખજો ભક્તો. જે ભગવાનની ધૂન જ્યાં થતી હોય, ભગવાનના જપ થતા હોય, ત્યાં મહારાજ હોય ને હોય જ. જ્યાં કોઈ કાળે વ્યસનો ન થાય, જ્યાં કામ કે ક્રોધ કદે ન જાય, સ્વધર્મને સૌ ચિત્તમાં ચહે છે, શ્રી સ્વામિનારાયણ ત્યાં રહે છે. જ્યાં અધર્મનો પ્રવેશ ન હોય, કોઈ પ્રકારનું વ્યસન ન હોય, આપણું ઘર એવું હોવું જોઈએ. ગુરુ મહારાજ મને એકદમ 10 વર્ષ પર પહેલાં કીધું હતું, મને કે નારાયણ સ્વામી તમે બધાને વ્યસન મુકાવો છો, પણ હરિભક્તોને શા મુકાવો તો ખરા. આપણા હરિભક્તો હોય ને ચાની રકાબી ન હોય છે ઘરમાં. હાલ્યું હવે પાડો, જેના ઘરમાં ચાની રકાબી હોય ઊંચો હાથ કરે. હવે એક રકાબી મુકાતી નથી એ વિચાર કરો. આ સંસાર કેમ છૂટે? જુઓ ને આ જગબંધનની જેલ, તેને તોડવી મુશ્કેલ. એકાદશીને દિવસે અમે દર્શન કર્યા. એક યુવાન આપણા પાણી ખીચડિયાના, તો એ યુવાન કોલેજ કરેલી હોય, 1000 લાખ રૂપિયાની નોકરી મળતી હોય, ઠોકર મારી અને આ સંતના યોગમાં આવી જાય. કાંઈ નાની વાત નથી. એ કાંઈ ભગવાનના અવતારો, ભગવાનના મહાપુરુષો કોઈ આકાશમાંથી નથી આવતા. એ માતા પિતા થકી જ આવે છે, ગ્રસ્થ આશ્રમમાં આવે છે. તો આપણું ઘર એ નિર્વ્યસની થવું જોઈએ. ઘરના અમારા ગુરુકુળમાં ત્યાં રતનપરમાં છોકરાઓને કીધું કોઈ પ્રકારનું વ્યસન આવવા દેતા નહીં, તિલક ચાંદોને ચોટલી કોઈ મૂકતા નહીં. આ ભગવાનની આજ્ઞા છે. અને તમે સુખી થાવ, તમારા પરિવાર સુખી થાય, ભગવાનની આજ્ઞા છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન લખે છે કે કેપ કરનારી વસ્તુ ખાવીને નહીં, પીવી નહીં. તો આ સામાન્ય વસ્તુ છે. તો આવા બ્રહ્મવેતા સંત આપણને મળ્યા છે. અને 2 જણા 2 દીકરા હોય ને એક દીકરાનો સંકલ્પ કરી નાખવાનો ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે. અને અત્યારના છોકરા ન હોય તો છોકરાના પપ્પાને, હા, કારણ કે આ કરવા જેવું કામ. આમ તમે એમ કે અમે ત્યાં નડી નહીં, તમે અત્યારે વડીલોની ખાસ જરૂર છે. ખુરશી બે ઉપર બેનારા કોઈ છે નહીં, અમારે બધા નાના સંતો છે. એટલે તમારે આના કપડે તમને રાખશું, પણ સંકલ્પ સારા કરવાના. આપણા સુરત ગુરુકુળમાં 2 દીકરા 1 દીકરી, ત્રણેય સાંખ્યોગી. 1 સાંખ્યોગી બેન અને 2 દીકરા સાધુ. તાલી તો પાડે. અને 2 માણસો પોતે સેવામાં જોડાઈ ગયા. આ ગુરુકુળ પરિવાર છે. આ જગતની ગંધ, જગતની વાસના, જુઓ ને આ જગબંધનની જેલ, તેને તોડવી મુશ્કેલ. એ કાઢ્યા વિના છૂટકો જ નથી. નિર્વાસનિક થવું જ પડશે, બ્રહ્મરૂપ થવું જ પડશે, તો જ છેલ્લો જન્મ થાય છે. મહારાજનને અંતકાળે જરૂર મારે આવવું. આપણે પુરુષોત્તમ નારાયણા છે. હાલતા ચાલતા, ખાતા પીતા, નાતા ધોતા, ઉઠતા બેતા, સર્વ ક્રિયામાં સમરો સદાય. પવિત્ર દેહે અપવિત્ર દેહે એ નામ નિત્ય સ્મરવું સનેહે. મહારાજ કે 6 અક્ષરો છે, 6 શાસ્ત્ર સાર, તે તો ઉતારે ભવ સિંધુ પાર. એક વાત કરીને પૂરું કરીશ. ભગવાનની કૃપાથી, ભગવાનની દયાથી રતનપર ગુરુકુળમાં 4 વર્ષથી અખંડ ધૂન ચાલે. તો મને ધર્મવલ્લભ સ્વામી કે તમે 4 વર્ષ થયા? મેં કીધું તમે સુરતમાં, તમારું સુરત તો ધામ કહેવાય, અને ત્યાં તો હજારો ભક્તો રહ્યા. અમારા પાસે કોરાનું હાલતું હતું. ત્યારે પૂર્ણ પ્રકાશ સ્વામી કે આ બધા વડીલો છે ને, તમે રજા બધાને આપી દો ધૂનમાં. મેં કીધું સ્વામી કોઈને દવાખાને દાખલ કરવા પડે, કોઈને પેટમાં દુખે, તાવ આવે તો વાત કરજો. કોઈને કાંઈ થયું નહીં, કારણ કે હવારમાં ઉકાળો પાઈ દઈ 2 વાટકા. तुलसी ने पुदीना उकाळो करीने कोई आवे तो मळवानुं नहीं। एमां एक बापा आव्या एनी रसोई हती अने वेवाय राजकोटना जता पछी मैं कीधुं बापा रोकाई जाओ कोरानुं हालतुं हतुं नकर वया जज। एक महीनो थयो त्यां वया गया बापा वया गया कोरा में। पछी रणछोड़ बापा था एने एना दीकराने कोरानो लाग्यो ते फोन आव्यो के स्वामी कोराने कोमामां छे। पछी मैं बापाने वात न करी कारण के जुवान दीकरा होय अने व्याजे बापाने दुख थाय। पछी घरे आवी गया रजा मळी गई त्यारे मैं प्रार्थना धून करावी। मैं कीधुं भगवान एनुं हारुं करे जो बापो न्या होत घरे तो वया जात। हवे केटला वया गया अने बीजू आपणी पर भगवाननी वसंताई केवी कृपा 275 से केला साधु संतो आपड़ा समाज में आपड़ा गुरुकुल में ई सिवायना बीजा केटला संतो वया गया पण आपड़ा 275 में कोईने वांधो आव्यो नहीं। अमने चिंता गुरु ने हती ज्ञान स्वामी ने कारण के सर्दी वाला रह्या ने पण एने बाउंड्री बांधी दीधी एकल संगीनी जेम अला बेबांडा कृषिनी जेम कोईने प्रवेश नहीं। एने ओला सेवा करता है बे संतो घनश्याम संतोना मंडल में नहीं आश्रम में नहीं रहवानुं जुदो आश्रम में रहीने रहता था। भगवान आपणी पर रक्षा करे अने 275 संतो छे एमां कोईने डायाबीटीस नथी। डॉक्टर साहेब हवे तालीओ पाडो। हाँ एनुं कारण आ छे संतो करे छे तप तीव्र एवो अंते चवा अक्षरधाम लेवा। आ संतो रात्रि दिवस मेहनत करे छे 18-18 कलाक मेहनत करे छे शा माटे? महाराज राजी थाय, मोटा संतो राजी थाय, गुरु महाराज राजी थाय अने आपड़ा संसार छोड़ीने एटला माटे आव्या छे। साधुनो धर्म छे भजन करवुं अने करावुं। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी श्रीपते सिद्धराम सर्वदे भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं मदं कारणं श्री स्वामीनारायणं नीलकंठं भजे। सहजानंद स्वामी महाराजनी जय। बधाज भक्तों जय स्वामीनारायण। अधिक मास में जे गामडा में रहता हो भक्तों ने तमारा जे गाम में मंदिर होय एने भक्तों ने बात करी दीजो अने एने 3 कलाक 6 कलाक के 12 कलाक नी धून आखो महीनो जुदा जुदा में। अने आपणो संस्कार केन्द्र महिला संस्कार केन्द्र हाले छे 8-10 त्यां पण महीना महीना नी धून थाय। आपणा गुरुकुळो छे एमां पण बधे धूनो थाय छे। तो तमारा गृहस्थानुं घर आ गुरु दक्षिणा में 1-1 कलाक बधा व्यक्ति होय नके घर में 1 कलाक आवी रीते संकल्प करजो अने तमारा संकल्प भगवान पूरा करे एवी भगवान हरिकृष्ण महाराज घनश्याम महाराजना चरण में प्रार्थना। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी जय। स्वामी त्यां नीचे पधारशे। आज जेमना जन्मदिवस है हरिभक्तोने आशीर्वाद आपी कांडू बांधशे अने प्रसाद आपशे। दलसाणिया किरणभाई नारायणभाई फरदू सुरेशभाई करसनभाई गढ़िया गेलाभाई देवराजभाई गजेरा डायाभाई बच्चूभाई जाडेजा नरेन्द्रसिंह बहादुरसिंह जियाणी नयनभाई नरेशभाई डॉक्टर परसणिया मितभाई रमेशभाई रवराणी प्रकाशभाई रतिभाई सखिया बिपिनभाई गोर्धनभाई शेखलिया मुकेशभाई रवजीभाई टोपिया प्रिंसभाई हसमुखभाई वघासिया शांतिलाल सवजीभाई वोरा उद्धवजीभाई खीमजीभाई अने झुंझवाड़िया भावेशभाई धीरूभाई आ बधाय भक्तों झड़पती त्यां स्वामी पासे कांडू बंधाई आशीर्वाद लेशे। धर्म कुंवर हरि कृष्ण जी तमे भक्त पति पूछूं दयानिधि तमे दासने नित्य आपो छो ए दान ए छो निर्विकल्पयुतम अति एवो ये वर मागुचु अलबेलातम आगड़े हूँ अरज करूँ ए सारू।